विधायक जी कहते हैं बाउंड्री वाल करा रहे हैं, बाउंड्री वाल करा रहे हैं, बाउंड्री वाल के लिए भी आज तक कोई बाउंड्री का एक नाम नहीं हुआ, सब बाउंड्री। पर भूमाफिया आकर बैठ के कब्जा कर रहे हैं, रोज प्रतिदिन इसमें एक से दो प्लॉट बन जाते हैं। मुकुंदपुर का तालाब बना दलदल, साथ ही हो रहे हैं तालाब पर अवैध कब्जे, स्थानीय लोगों ने उठाया मुद्दा। कांग्रेस नेता कपूर सिंह सिसोदिया ने भी उठाया है मुद्दा। कपूर सिंह सिसोदिया इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं सरकार से पत्राचार। मुकुंदपुर के स्थानीय लोग यहां के तालाब को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीण लोग इस तालाब को जोहड़ बोलते हैं और इस जोहड़ की जमीन पर लोगों का कहना है कि भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। लोग भी जब दिल्ली में हमारी शीला की सरकार थी, हम लोगों ने तब भी इसकी मांग की थी, और जब हमारे यहाँ से विधायक रहे किशन त्यागी जी, तब भी हम लोगों ने जोड़ की मांग की थी, और अब रिसेंटली हमारे इस टाइम प्रेजेंट में विधायक रहे पिछले 5 साल संजीव झा जी, उनसे भी यही मांग करते हुए आ रहे हैं। हम सब लोग, हमारे गांव के निवासी हैं, सभी लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इस जोड़ को, इस पर भूमाफिया आकर बैठ के कब्जा कर रहे हैं, रोज प्रतिदिन इसमें एक से दो प्लॉट बन जाते हैं, कभी किसी तरीके से वो लोग इस पर कब्जा करते हुए जा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा मोटिवेशन है और एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है विधायक से, जो अभी संजीव झा जी बैठे हुए हैं, कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके और तुरंत इस पर कम से कम, ज़्यादा ना तो इसका थोड़ा बहुत 6 फुट की 4 फुट की इसकी बाउंड्री करवा के इसका एक सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही जोहड़ की जमीन पर कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लग गए हैं। इस बात को लेकर स्थानीय लोग विधायक से भी मिले और निगम पार्षद से भी मिले, लेकिन जोहड़ का सौंदर्यीकरण और चार दीवारी न होने के कारण इन लोगों ने जनप्रतिनिधियों से नाराजगी भी जताई है। इनका कहना है कि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि खत्म होते जोहड़ों को बचाया जाए। जैसे ये आम आदमी पार्टी आई है, मैंने कई बार MLA को, SDM को, तहसीलदार को, ACP साहब को कई बार मौके पे जाकर विजिट करवाई के विधायक जी, हमारे इस जोड़ का सौंदर्यकरण के लिए फाइल चल रही है, उसका क्या हुआ है, इसके बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। विधायक जी कहते हैं बाउंड्री वाल करा रहे हैं, बाउंड्री वाल करा रहे हैं, बाउंड्री वाल के लिए भी आज तक कोई बाउंड्री का एक नाम नहीं हुआ, सब बाउंड्री वाल खत्म, और कुल मिलाकर वहाँ दिन पर दिन जोड़ की जमीन पर कब्जा होता जा रहा है। लोग आए दिन एक घर नया उसमें बनाते जा रहे हैं, जब हमारी बाउंड्री वाल करा देते तो हमारी जोड़ की जमीन को कोई 1 इंच भी नहीं ले सकता था, लेकिन इन्होंने ना कोई ऐसा एक्शन लिया इस पर और ना कोई कार्रवाई की, ताकि जमीन का वाटर लेवल भी सही रहे और जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन जोहड़ों को बचाने के लिए कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। अपने क्षेत्र की छोटी छोटी खबरों को देखने के लिए डबल इन न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। साथ ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम अपने सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हैं।